प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा विकास प्राधिकरण में ब्रज मंडल मथुरा वृंदावन के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की एक समीक्षा बैठक की। बैठक में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारियों सहित जनपद के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मथुरा वृंदावन के विकास के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाई जा रही विकास की योजनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्रज मंडल में किए जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ऊर्जा मंत्री ने शासन द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के स्थल निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए अधिकारी कार्य करें। देखिए, मथुरा वृंदावन ब्रज 84 कोस का चौमुखी विकास हमारी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मथुरा वृंदावन के विकास के लिए है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी में दर्शन करने आते हैं, इस नाते उनको कोई असुविधा ना हो, इसी के निमित्त ये मासिक एक समीक्षा बैठक रहती है। उसमें अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होती है। ट्रैफिक बहुत अच्छा रहे, जो मुख्य मंदिरों को जाने वाले मार्ग हैं उनका सौंदर्यीकरण ठीक से हो, सड़कों पर यातायात में असुविधा होती है क्योंकि सड़कों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, वो ठीक हो, लेकिन जो गरीब आदमी है जो अपनी रोजी रोटी कमाता है उसको कोई असुविधा ना हो, ये भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं। और जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनमें क्वालिटी का काम हो, उनका निरीक्षण परीक्षण लगातार होता रहे। मुख्यमंत्री के ये दिशा निर्देश हैं कि सभी कप्तान और सभी जिलाधिकारी जो भी वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी करें, और वहाँ की गुणवत्ता में अगर कहीं कोई खामी है, कमी है, तो तत्काल प्रभाव से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी करें। मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी नीचे तक, जनता तक पहुँचें, और जनता के हित के लिए जो काम हो रहे हैं और जनता को उसका लाभ मिले, ये सब अधिकारी सुनिश्चित करें, क्योंकि अब तक की जो व्यवस्था थी उसमें प्रवास अधिकारियों का नहीं रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत प्रवास करते हैं, हम सब लोग प्रवास करते हैं, तो जो योजना है, पुरानी जो पेंडिंग योजना है वो समय पर पूरी हो, और वर्तमान में जो हमारी अभी योजना हमने शुरू की है उसमें उसकी हम समय सीमा तय करते हैं, वो समय सीमा के अंदर सभी योजनाएँ पूरी हों, और मथुरा वृंदावन 84 कोस का चौमुखी विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता में, इसलिए ये नियमित और एक समीक्षा बैठक रहती है। इसी के कारण आज किसानों को पराली जलाने JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।